राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, परिसर से पकड़े गए एक लड़का व लड़की। लड़का भेजा गया जेल, लैपटॉप कैमरा समेत कई अन्य सामान भी बरामद। आजमगढ़ शहर के दलालघाट मोहल्ले में स्थित एक प्राइवेट डॉक्टर के बंद पड़े क्लिनिक में चल रही अयाशी के डॉक्टरी का मामला सामने आया है। मोहल्ले के लोगों द्वारा क्लिनिक पर छापेमारी कर एक लड़का व लड़की को पकड़ लिया गया, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। पकड़े गए युवक का चालान कर दिए जाने की बात बताई जा रही है। बता दें कि दलाल घाट तिराहे से नदी की तरफ जाने वाले मार्ग पर एक डॉक्टर की क्लिनिक स्थित है। वर्तमान में वह क्लिनिक बंद पड़ी है। कई दिनों से आस पास के लोग इस बंद क्लिनिक के अंदर कुछ गलत काम होने का अंदेशा जता रहे थे। कई दिनों से चल रही इस चर्चा पर मोहल्ले के लोगों ने दो दिनों बंद पूर्व बंद पड़ी उस क्लिनिक पर छापेमारी की, तो अंदर एक लड़का व लड़की को लोगों ने बरामद किया। लोगों का कहना है कि बंद पड़ी इस क्लिनिक में अय्याशी हो रही थी। इतना ही नहीं, यहां ब्लू फिल्म बनाए जाने की भी चर्चा है। इसके साथ ही मौके से एक लैपटॉप, कई कैमरा व मोबाइल आदि भी बरामद होने की बात बताई जा रही है। लोगों की सूचना पर पहुंची शहर कोतवाली पुलिस लड़का लड़की व लोगों द्वारा बरामद किए गए सामानों को लेकर थाने चली गई। प्रकरण को दबाने की कवायद में महकमा जुटा रहा है। इस बीच लोगों द्वारा की गई कार्रवाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने लड़की को परिजन के हवाले कर दिया, तो वही लड़की का चालान कर दिया। शहर कोतवाली के एक के गुप्ता ने बताया कि दलालघाट स्थित बंद क्लिनिक से एक लड़का लड़की पकड़े गए हैं। लड़की को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है, जबकि लड़के का चालान कर दिया गया। बाइट सुधीर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक। आइए देखें योगेंद्र प्रजापति की खास रिपोर्ट। हुआ है, पुलिस ने गिरफ्तारी की है। क्या है? देखिए, क्लिनिक में एक लड़का और लड़की पकड़े गए थे और वो बंद क्लिनिक था। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है 18 कोतवाली पर और गंभीर था। आपत्तिजनक उसने भी प्राप्त की थी। देखिए, जो कुछ भी है वो मुकदमा पुलिस तरफ से पंजीकृत किया जाएगा और स्वीकार। दलालगढ़ नदी पे ये जो मुफ्त दवाखाना चल रहा है, दवाखाना का दुकान दिख रहा है, ये भी एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट गरीब द्वारा गरीब एवं असहाय लोगों का सेवा के लिए मुफ्त दवाखाना है। यहाँ देखिए, आज सुबह 11 बजे से नहीं, ठीक है, आज सुबह 11 बजे से यहाँ एक लड़का जो मोहंडा मुस्लिम है और एक लड़की जो हिंदू है, इसको लेके सुबह 11 बजे से इसमें अवैध पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग। पीपी न्यूज़ 24/7, सच्चाई कलम की नोक पर।